तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते थे कि रियाज़ अली का कुछ दिनों पहले रिंगटोन नामी जो सॉन्ग है वो रिलीज़ कर दिया गया है। अब रियाज़ अली का आने वाला जो प्रोजेक्ट है, बताया जा रहा है कि आपको दो लोगों के साथ दिख सकता है, साथ में है रिम शेख और उसी के साथ है अवनीत कौर। अवनीत कौर के साथ रियाज़ अली के बहुत सारे सॉन्ग आ चुके हैं, लेकिन रिम के साथ अभी तक कोई सॉन्ग नहीं आया है। तो इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रियाज़ अली की हर अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। अब बात करते हैं रियाज़ अली के नए सॉन्ग के बारे में। जी हाँ, अभी तक तो कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट माने तो ऐसी कुछ न्यूज़ उड़ाई जा रही है कि जिसमें हमें ऐसा बताया जा रहा है कि रियाज़ अली के साथ अवनीत कौर नज़र आने वाली है या फिर रियाज़ अली के साथ रिम शेख नज़र आने वाली है। लेकिन आपको बताने वाला हूँ मैं सच्चाई क्या है। अभी हाल ही में रियाज़ अली का जो नया प्रोजेक्ट है वो अभी तक साइन नहीं हुआ है, क्योंकि रियाज़ अली ने इंस्टाग्राम पर या फिर किसी तरीके से हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया कि उनका अपकमिंग सॉन्ग किसके साथ हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी जो अफवाहें उड़ाई जा रही है कि रियाज़ अली का जो सॉन्ग है वो रिम शेख के साथ देखने को मिलेगा। लेकिन आपको बता दूं कि रियाज़ अली का सॉन्ग जो है वो रिम शेख के साथ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि रियाज़ अली ने अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किए कि वो किसके साथ बैक करने वाले या फिर किसके साथ उनका नया सॉन्ग में वो देखने को मिलेंगे। आपको बता दूं कि रिम शेख के जो अभी कुछ सॉन्ग आए हैं जो कि आपको टी सीरीज़ पर देखने को मिलेंगे, तो आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रियाज़ अली की अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी।